नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तैयारियों को देखते हुए सभी को लगने लग गया कि चंद्रशेखर आजाद अभी से बिना हल्ला गुल्ला किए चंद्रशेखर आजाद लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोगों को कैसे लगने लग गए और आज चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी जनसभा किस राज्य में है और किस जिले में, सब कुछ ये भी बताएंगे। और चंद्रशेखर आजाद की आज के बाद की अगली जनसभा कहां पर है सब बताएंगे। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाएं। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार मैदान में है। 3 दिन से चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और वहां आजाद समाज पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनको जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि वो बिना हल्ला गुल्ला किए वहाँ पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी जनता के बीच जा रहे हैं और उनके दुख सुख को जान रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद खुद जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि मेरे लिए मंच होना चाहिए या मेरे लिए बड़ी अच्छी सी मंच होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को जैसी जहां स्थिति मिल रही है चंद्रशेखर आजाद उसी जगह पर अपने लोगों को समझाने लग रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के, आज की इस खबर के बारे में हम आपको बताते हैं। आज चंद्रशेखर आजाद की मदसौर में जनसभा है, सभा स्थल लगभग 2 बजे चंद्रशेखर आजाद सभा स्थल पहुंचेंगे और रूट प्लान जो जारी किया गया है सुनील अस्त द्वारा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आज चंद्रशेखर आजाद देवी अल्लया बाई एयरपोर्ट इंदौर पहुंचेंगे 5:30 बजे, उज्जैन टावर चौक, नगदा पुराना बस स्टैंड, अलोटार सुवासरा और मदसौर सभा स्थल चंद्रशेखर आजाद लगभग 2 बजे पहुंचेंगे। और चंद्रशेखर आजाद की जैसे ही प्रशासन शासन प्रशासन को भनक हुई जनसभा की, तो प्रशासन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हरकत में आ गया और चंद्रशेखर आजाद की जो भीड़ आएगी सभा में उसको ध्यान में रखते हुए जो बस स्टैंड है महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर 20 सितंबर को भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद रावण की जनसभा आम सभा है, यानी कि आज चंद्रशेखर आजाद की आम सभा है महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर। और इससे इसमें भीड़ अधिक होने की संभावना के चलते प्रशासन ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड की सभी बसों को संचालन 20 सितंबर को नेहरू बस स्टैंड से कराने का निर्णय लिया है। प्रशासन ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड से और जो महाराणा प्रताप बस स्टैंड है वहाँ की जो सभी बसें हैं वहाँ का संचालन 20 सितंबर यानी कि आज नेहरू बस स्टैंड से कराने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह व्यवस्था केवल 1 दिन के लिए हुआ, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की आज लगभग 20 सितंबर को जनसभा है मदसौर में और महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर चंद्रशेखर आजाद का जवा वो सभा स्थल है और वहाँ पर जो बस आएंगी उनको अब नेहरू बस स्टैंड पर किया जाएगा। और ये जो कार्य प्रशासन ने कहा है 1 दिन के लिए ये व्यवस्था केवल रखी गई है। ये चंद्रशेखर आजाद के आने की भनक से ठीक पहले का ये प्रशासन ने निर्णय लिया है और प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है और प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सतर्क है कि चंद्रशेखर आजाद की मदसौर में होने वाली जनसभा में काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है। इसीलिए प्रशासन काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में जुट चुका है। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी आमजनों को किसी भी प्रकार की समस्या हो। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद अपनी मैदान में जमीन बनाए हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद की अगली सभा लगभग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में है और ये जो मुरादाबाद ज़िले में उस सभा को हम भी कवरेज करने जा सकते हैं। तो वहाँ भी क्या कुछ घटनाक्रम होगा हम आपको भी मिशन टीवी चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप फिलहाल भी मिशन टीवी चैनल से जुड़े रहें और भी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद। जय